हाय गाइस, आज अपन बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से फुटवेयर स्टॉक है इंडिया में जो सबसे बेस्ट है। क्योंकि बताओ, फुटवेयर ऐसा प्रोडक्ट है जो लगने वाला है, जैसे टूथपेस्ट है, ब्रश है, ये लगने वाला है। तो ये ऐसे स्टॉक्स है कि जिसकी कभी जरूरत खत्म होगी ही नहीं। तो अपन जानेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है फुटवेयर इंडस्ट्री में जो अच्छे हैं, या फिर क्या क्या पैरामीटर्स हमको पता होने चाहिए बिफोर आई इन्वेस्ट इन फुटवेयर स्टॉक्स। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर दीजिए। एंड एज यूजुअल, मेरे को बताया आप करने वाले हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। चलिए, तो इंडिया का जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रकार के ये है ना, स्पोर्ट्स शूज है ना, अलग अलग कैटेगरी, वी हैव सैंडल्स, वी हैव स्लीपर्स, वी हैव चप्पल्स, अलग अलग कैटेगरी के शूज है। तो इसमें कैटेगरी बहुत सारे हैं, एंड एथलेटिक शूज है, स्पोर्ट्स शूज है, फॉर्मल है, कैंपिंग के लिए अलग शूज है, ट्रैकिंग के लिए अलग शूज है, अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से अलग अलग शूज है। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शूज, इवन मेडिकेटेड भी होते हैं शूज। अगर कुछ इंजरी हुआ है तो उसके लिए अलग शूज लेने को बोलते हैं डॉक्टर। तो वी हैव लॉट ऑफ वराइटीज इन शू मार्केट। प्लस इंडिया में चार पांच बेस्ट फॉरेन कंपनीज भी हैं, प्यूमा है, नाइके है, अदिदास है, रिबॉक है, जो इंडिया में बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रही है। एंड प्लस देयर आर इंडियन इंडस्ट्री आल्सो व्हिच आर गिविंग देम टफ कंपटीशन, लाइक बाटा है, कैंपस शूज, लिबर्टी, ऐसे बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में उनको बहुत कंपटीशन कर दे रहे हैं। तो दीज आर द फ्यू स्टॉक्स जो यहाँ पे दिए, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। रिलैक्सो फुटवेयर है, कैंपस, लिबर्टी, सुपर हाउस, मिर्जा इंटरनेशनल। सो दीज आर द टॉप कंपनीज, या दीज आर द, आई विल से कि दीज आर द लीडर एज फार एज इंडियन कंपनीज आर कंसर्न, दीज आर द बेस्ट कंपनीज हु आर डूइंग क्वाइट वेल इन इंडियन मार्केट। नाउ क्वेश्चन इज, इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, आइए जानते हैं। सी, पहला फैक्टर उनका बिजनेस फाइनेंशियल आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, उनका रेवेन्यू कितना है, उनके डेट कितना है, मतलब लोन कितना है, मैनेजमेंट में कौन है, कौन से प्रोडक्ट है, कितना एक्सपांशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट एग्रेसिव है या कॉन्जर्वेटिव है। जैसे बाटा ने अभी रिसेंटली, बाटा अर्लियर वॉज नोन फॉर ओनली बेसिक चप्पल्स, नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस ट्रेंडी फुटवेयर ऑल्सो, बिकॉज उनको रियलाइज हुआ है कि ट्रेंडी फुटवेयर का मार्केट बढ़ने लगा है। तो कीर्ति सनन उनके देखो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपने देखा रहेगा काफी बार, मतलब मैंने वो देखा और भी रहेंगे। बट नाउ बाटा ने ये, पहले बाटा वॉज नोन फॉर स्कूल शूज, आपने बाटा किस सेंस है, स्कूल शूज वगैरह या रेगुलर चप्पल सैंडल, बट क्वालिटी इज वेरी गुड, वेरी स्टडी चप्पल उसके लिए उनका। बट अभी उन्होंने ट्रेंडी फुटवेयर भी चालू कर दिया, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ है कि वो फुटवेयर से खाली काम नहीं चलेगा, नई नई चीजें मार्केट में लेके आने पड़ेंगे। तो ये बिजनेस फाइनेंशियल का मतलब ये है कि कंपनी का स्ट्रेटेजी क्या है, अपने को पता होना चाहिए कितना एक्सपांशन कर रहे, क्या कर रहे, सब पता होना आपको जरूरी है। उनके कैश फ्लो क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। सेकेंड पता होना चाहिए मार्केट शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंडियन कंपनीज है, जैसे बाटा का रेशियो कितना है, कैंपस का कितना है, लिबर्टी का कितना है, जितने भी कंपनीज है इंडियन कंपनीज, उनका मार्केट शेयर आप देखो कितना है, और 5 साल का ट्रैक भी करो कि 5 साल के मार्केट शेयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आपको फिर ऐसे स्टॉक में अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट शेयर कम होगा तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी क्या होगा, सेल कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो मार्केट शेयर थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना जरूरी है। देन एडवांटेज और कंप्यूटर, जैसे बाटा का क्या है, वेन एवर अपन कहीं भी जाते हैं तो अपन पहले बाटा के बारे में सोचते हैं कि उसका क्वालिटी है, ट्रस्ट वर्दीनेस है, पीपल हैव फेथ इन ब्रांड लाइक बाटा। जैसे कार में टाटा मोटर्स के ऊपर लोगों का बहुत फेथ है, भले बाकी गाड़ी में फीचर ज्यादा रहेंगे बट दे हैव फेथ ओवर टाटा ब्रांड। वैसे चप्पल्स में मेरे हिसाब से बाटा इज वेरी फेमस ब्रांड इंडिया, मतलब हम आंख बंद करके हम जाते हैं और खरीदते हैं, वी नेवर थिंक ऑफ देयर क्वालिटी, माइंड में हो गया कि ये बेस्ट है ब्रांड, सो वी डोंट हैव थिंक अरे लू के नहीं लू, हाँ ओनली से मैटर अबाउट साइज, डिजाइन, क्वालिटी, दैट इज, बट बाकी सब ओके है, सो दैट इज वॉट। तो ऐसा कौन सा एडवांटेज है, वाई पीपल आर बाइंग पर्टिकुलर ब्रांड, वो आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो एडवांटेज अगर उनको फायदा करके देगा तो फिर इन्वेस्ट करना जरूरी है, एंड तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो होगा, बिकॉज वी नीड टू एड दैट एक्स फैक्टर। अगर आपने एक्स फैक्टर ऐड नहीं किया तो आपके पास कोई नहीं आएगा। सो व्हाट एक्स फैक्टर दे आर एडिंग, यू हैव टू चेक। सेक्टरल ट्रेंड, ऑब्जर्व द कस्टमर प्रेफरेंस एंड ट्रेंड, करेक्ट ना, है ना। तो ट्रेंड के हिसाब से, जैसे बाटा ने कहा ना, बाटा ने देखो नए ट्रेंड लेके आया,
उनको समझा कि अभी ट्रेंड बदल रहा है, पीपल वॉन्ट फैंसी शूज चप्पल, तो बाटा ने वैसे लेके आए। तो अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, इफ यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेम, इफ यू कीप ऑन मेकिंग सेम चप्पल्स एंड सैंडल्स, तो जैसे आपके मॉम डैड जो चप्पल पहनते थे अभी आप नहीं पहनोगे, यू वॉन्ट ट्रेंडी समथिंग। सो जैसे कस्टमर का टेस्ट चेंज होगा, वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो देखना है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज है, कौन सी कंपनी ट्रेंड की फ्रेंड है, उसमें जाना है। लास्ट है कंपनी का वैल्यूएशन। ओके, अपने को कंपनी की एग्जैक्ट मार्केट प्राइस ढूंढना है और चेक करने के अभी वो अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। अगर वो ओवर प्राइस है तो लेके मतलब नहीं, अगर वो अंडर प्राइस है तो लेके लेने का मतलब है। तो गाइस इतने सारे मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स आप अच्छे से समझ सकते हैं एंड उस बेसिस पे डिसाइड करो कि कौन से फुटवेयर कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ये ऐसा इंडस्ट्री है जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है। शूज चप्पल अपने को लगने वाले, कुछ भी हो जाए तो दिस इंडस्ट्री विल ग्रो। तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लो कि कौन सी बेस्ट कंपनी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।